एवरीवन, इसके डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको बाजू डिजाइन कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे। आप पूरे वीडियो देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आसानी तरीके से सीख जाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। अस्तर को चार फड़े में रख लिए हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए इस तरह से। बाजू का लंबाई फ्रेंड्स 12.5 इंच और इस तरफ का देख लीजिए 12.5 से यहाँ से हम 3 इंच ऊपर की तरफ से कटिंग कर लिए हैं। बाजू का चौड़ाई है फ्रेंड्स 8 इंच और नीचे की तरफ से है फ्रेंड्स 6.5 इंच, इस तरह से देख लीजिए। अब हम कपड़े को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे, ऐसे हम चार फोल्ड में रख लेंगे। देख लीजिए चार फोल्ड में हम रख लिए हैं फ्रेंड्स। अब कपड़े के ऊपर अच्छी तरीके से अस्तर को सेट कर लेना है। सेट हो चुका है फ्रेंड्स, एक अस्तर एक कपड़ा दोनों हम ले लिए हैं फ्रेंड्स। इस तरह से कपड़े को अच्छी तरीके से फैला लेना है, उसके ऊपर अच्छी तरीके से अस्तर को सेट करके सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है, एक्स्ट्रा कपड़े कटिंग करके निकाल देना है फ्रेंड्स। कटिंग हो चुका है, अब हमें अस्तर को इस तरह से पलट कर अस्तर के ऊपर सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। सिलाई लग चुका है, अब हमें इस तरह से पलट कर सिलाई लगा लेना है। सिलाई लग चुका है फ्रेंड्स, अब हमें बाजू के चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है। इससे यह होता है कि आपके बाजू में सिकुड़ापन नहीं आएगा, अब फिनिशिंग के साथ दिखेगा। ये देख लीजिए चारों तरफ से सिलाई लग चुका है फ्रेंड्स। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। कटिंग हो चुका है, यहाँ बीच में से हल्के से कट लगा लेना है। देख लीजिए इसी तरह से हमें दोनों बाजू को तैयार कर लेना है पहले फ्रेंड्स। ये देख लीजिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, दोनों बाजू हम तैयार कर चुके हैं। अब हम बकरम ले लिए हैं। बकरम का लंबाई है 12.5 इंच, सेम जितना बड़ा मेरा बाजू है। इस तरह से देख लीजिए हम 12 इंच पे निशान लगा लिए हैं, 1/2 इंच छोड़ दिए हैं फ्रेंड्स। इस बकरम को कटिंग करके निकाल दिए हैं। अब बकरम को दो फोल्ड में रख लेना है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए रख चुके हैं फ्रेंड्स। अब देख लीजिए बाजू का बकरम का लंबाई 1 इंची पे ऊपर की तरफ से छोड़ देना है फ्रेंड्स, नीचे से 1/2 इंच पर। इस तरह से देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें से 10.5 इंच में से हमें 3 डिजाइन निकाल लेना है। इस तरह से देख लीजिए एक डिजाइन आ रहा है फ्रेंड्स मेरा 3.5 इंच का, इस तरह से आ चुका है फ्रेंड्स। इस तरह से निशान को हम ऊपर की तरफ से कर लेंगे। ये देख लीजिए निशान लग चुका है फ्रेंड्स, 3.5 का आधा इस तरह से निशान लगा लेना है। देख लीजिए निशान लग चुका है फ्रेंड्स, इस तरह से निशान को मिला लेना है। इस तरह से निशान लग चुका है। अब यहां से देख लीजिए पहले हम 1/2 इंच छोड़ देंगे ऊपर और नीचे से, ये मेरा सिलाई में चला जाएगा फ्रेंड्स। ये देख लीजिए हम छोड़ दिए हैं। अब यहां से हमें इस तरह से बर्फी डिजाइन पर निशान लगा लेना है। निशान लग चुका है फ्रेंड्स, अब जहां से निशान लगाए हैं वहां से हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग हो चुका है, सेम इसी तरह से हमें डिजाइन को निकाल लेना है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए लास्ट वाला है,
इसे भी कटिंग करके निकाल लेंगे। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, निकल चुका है, कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा डिजाइन। ये देख लीजिए, हल्के से कट कर लेना है इस तरह से क्रॉस में, यहाँ से भी हल्के से कट करके क्रॉस में कटिंग कर लेना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम अस्तर ले लिए हैं, अस्तर के ऊपर हम बकरम को अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करके यहाँ से हमें पहले सिलाई लगा लेना है फोल्ड करते हुए। इस तरह से देख लीजिए, सिलाई लग चुका है फ्रेंड्स। अब हम बाजू ले लिए हैं, बाजू के आधे पे हमें पहले निशान लगा लेना है फ्रेंड्स दोनों तरफ से। ये देख लीजिए, निशान लग चुका है। अब इसके ऊपर हम पैटर्न को रख लेंगे अच्छी तरीके से सेट करके। सेट करके यहाँ से हमें पिन लगा लेना है फ्रेंड्स बीच में से। पिन लग चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ से देख लीजिए, हमें सिलाई लगा लेना है। ये देख लीजिए, एक पर लग चुका है, अब दूसरी पे सेम इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। दूसरे डिजाइन पर भी लग चुका है सिलाई, अब तीसरी पे लगा लेना है। देख लीजिए फ्रेंड्स, तीनों पे लग चुका है, धागे को कटिंग कर लेना है, पिन को निकाल लेना है फ्रेंड्स। अब जो बीच में से इस तरह से कट लगा लेना है पहले बकरम पर। कट लग चुका है फ्रेंड्स, यहाँ से बीच में से एक्स्ट्रा कपड़े कटिंग करके निकाल देना है इस तरीके से फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, कट लग चुका है। अब हमें छोटे छोटे कट लगा लेना है चारों तरफ से। अब सेम इसी तरह से हमें डिजाइन में से कपड़ा को निकाल लेना है फ्रेंड्स। यहाँ भी छोटे छोटे कट लगा लेना है। देख लीजिए लग चुका है, ये मेरा लास्ट वाला, इसमें से भी एक्स्ट्रा कपड़े कटिंग करके निकाल देना है फ्रेंड्स। कट लग चुका है, छोटे छोटे अब कट लगा लेना है। ये देख लीजिए, मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस तरह से इसे पलटी कर लेना है। पलटी हो चुका है, सेम इसी तरह से पूरे डिजाइन को हमें पलटी कर लेना है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, दोनों डिजाइन मेरा पलटी हो चुका है, तीसरा भी इसी तरह से पलटी कर लेना है। इसे भी हम इसी तरह से पलटी कर लिए हैं फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, पूरा कंप्लीट मेरा डिजाइन पलटी हो चुका है। अब हमें डिजाइन के ऊपर सिलाई लगा लेना है अच्छी तरीके से सेट करके। ये देख लीजिए, इस तरफ से हमें इस तरफ से सिलाई लगा लेना है। ये देख लीजिए फ्रेंड्स, अब हमें इस तरफ से यहाँ से सिलाई लगा लेना है। सेम इसी तरह से हमें डिजाइन पर सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए, सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है। ये देख लीजिए, मेरा उल्टा साइड है, ये मेरा सीधा साइड है फ्रेंड्स।
अब हमें डिजाइन पर इस तरह से अच्छी तरीके से सेट करके लेस बैठा लेना है फ्रेंड्स। यहाँ कोने पे फ्रेंड्स हमें प्लेट्स देकर लेस बैठा लेना है। अब हमें इस तरफ आ चुके हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर भी प्लेट्स देकर लेस बैठा लेना है आपको। अब देख लीजिए इस तरफ से आ चुके हैं। अब इस तरफ से हमें इस तरफ तक यहाँ से प्लेट्स देते हुए ये देख लीजिए हम यहाँ आधे पे पहुँच गए हैं। अब नीचे की तरफ से प्लेट्स देते हुए सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए लेस बैठ चुका है फ्रेंड्स। अब हमें लेस की दूसरी तरफ से सिलाई लगा लेना है। देख लीजिए लेस की दूसरी तरफ से सिलाई लग चुका है फ्रेंड्स। धागे को कटिंग कर लेना है। अब हमें यहाँ से नीचे की तरफ से लेस बैठा लेना है फ्रेंड्स इस तरह से। लेस की दूसरी तरफ से सिलाई लगा लेना है फ्रेंड्स। सिलाई लग चुका है, धागे को कटिंग कर देना है। देख लीजिए मेरा बाजू एकदम कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब इस पर हम सो बटन लगा लेंगे। अभी फ्रेंड्स हम इस तरह से रख लिए हैं, हम इसको सुई से ताक लेना है। ये देख लीजिए हम ताक लिए हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको सेम इसी तरह से हम दोनों बाजू को तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू। बनाने के बाद इस तरह से आ चुका है।